अस्सलामु अलैकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी, मैं हूँ रोशन आरिफ। और अपना जो ब्लॉग है, ब्लॉग तो मेरा मॉर्निंग से ही स्टार्ट था, तो वहाँ से मैंने क्लिप मतलब की ले ली थी और वहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया था। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं, तो ये हमारे यहाँ का स्टेशन है। और हमारे यहाँ एक साल से बिल्कुल जब से कोरोना मतलब कि ज़ोरों से फैल रहा था, कोरोना का टाइम से ही हमारे यहाँ स्टेशन वगैरह बंद है और ट्रेन वगैरह भी बंद थी। लेकिन दो दिन तीन दिन से हमारे यहाँ स्टेशन ओपन हो गया, मतलब ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है। और बस तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ कर खड़े होकर के ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ट्रेन आए तो हम लोग घर जाएं, मैं अपने मायके जाऊं। और उसे तो साधन बस से भी है, लेकिन बस से क्या होता है ना कि चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस ट्रेन के साधन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ट्रेन का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं इधर खड़े होकर के बैठ करके। तो इसलिए और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने गांव का स्टेशन भी दिखला दूं तो अच्छा लगता है। और रोज़ वही डेली रूटीन क्या दिखलाऊं, तो थोड़ा सा अलग इंसान को दिखाना चाहिए। तो इधर हम आ गए हैं और देखिए हमारे यहाँ स्टेशन बन रहा है, अभी बहुत बनना बाकी है। और तो यहाँ पे देखिए मुन्नी है और मुन्नी बैठी है यहाँ पे खड़ी है। और बस तो यहाँ पे देखते रहिए आप और इंजॉय करते रहिए, तो बन रही है मेरे ब्लॉग के साथ। तो अगर ब्लॉग में आप रहेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि हम क्या दिखलाने वाले हैं, क्या नहीं दिखलाने वाले हैं। यहाँ पे मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, जो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। और ट्रेन तो 10-11 बजे आई ट्रेन, तो बस उसी से हम लोग बैठ करके आए ट्रेन से। और देखिए यहाँ पे बस हम लोग खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। यहाँ पे मैं हूँ, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने अपना दिखला दिया एक क्लिप ताकि जान जाओ कि हाँ मैंने ही शूट किया है। तो मैं इधर शूट कर रही थी, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा ही शूट किया है, मगर किया है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ का स्टेशन है, स्टेशन और देखिए ट्रेन जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है यहाँ से, ये रुकेगी नहीं यहाँ पे वो, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ ना लोकल ट्रेन रुकती है, पैसेंजर लोकल। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ लोकल ट्रेन रुकती हैं और जैसे पैसेंजर ट्रेन रुकती हैं और एक्सप्रेस ट्रेन बिल्कुल नहीं रुकती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेन पे बैठ गए हैं, हम लोग मेरी सारी फैमिली पे ट्रेन पे बैठ गई हैं। और यहाँ पे ट्रेन के अंदर मतलब कि बहुत कम भीड़ थी, बहुत कम। और एक साल के बाद ये ट्रेन चालू हुई है और वो भी एक ट्रेन चालू हुई है और किसी को जानकारी भी नहीं था कि मतलब ट्रेन चालू हुई है, ट्रेन खुली है। तो बहुत कम लोगों को ही जानकारी था इसका, तो हम लोग को जानकारी भी नहीं था, हम लोग तो बस से आने वाले थे। लेकिन फिर मालूम हुआ कि नहीं ट्रेन चालू हो गई है। और देखिए ट्रेन बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, ट्रेन में बहुत कम आदमी थे बस। तो हम लोग को तो और अच्छा लगा, बिल्कुल कोरोना वायरस का पालन करते हुए आए हैं घर पे। तो इस तरह से आगे देखिए यहाँ पे मुन्नी भी बैठी है और बहुत कम लोग थे, तो इस तरह से। और And
बुन्नी को तो बहुत मज़ा आ रहा था, और वो बस चाहती है ना कि वो विंडो वाला सीट ले, और उसको देखने में बैठ करके देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और हवाएं भी बहुत तेज़ी से चल रही थी, और बहुत धूल वगैरह मतलब कि आ रहे थे, उड़ रहे थे, क्योंकि ठंडी जैसे ठंडी बीतती है ना, वैसे ही वो जो हवाएं धूल कण बहुत सारे उड़ने लगे हैं। और ये देखिए यहाँ के, हमारे यहाँ के ये हाईवे बन रहा है बिल्कुल न्यू न्यू, अभी बन ही रहा है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, बनने में लगता है कि बहुत दिन हो जाएंगे। और ये हम आ गए हैं अपने यहाँ, अपने घर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत हम लोग आ गए हैं झट से, और बस यहाँ से अगर जाना रहेगा तो किसी को तो पैदल भी जा सकता है, लेकिन और अगर ना जाना रहेगा मतलब ऑटो हमारे यहाँ मिलता है, तो अगर चाहेगा इंसान तो ऑटो पर ही बैठ कर जा सकता है। सभी मतलब कि हर किस्म के साधन मिल जाती है हमारे यहाँ। और देखिए हमारे यहाँ का स्टेशन बन रहा है अभी न्यू न्यू, 2 साल से काम हो रहा है लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और बस कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए बहुत तो मतलब कि अच्छा हो जाएगा हमारे यहाँ का स्टेशन बिल्कुल। देखिए इस तरह से न्यू न्यू अभी बन रहा है, और बस तो हम लोग ऑटो में बैठेंगे, ऑटो में बैठ जाएंगे, उसके पास चलेंगे घर। वायरस की वजह से बहुत कम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जिसकी भी ज़रूरत सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, और फालतू लोग तो बिल्कुल नहीं। तो हम लोग को ज़रूरत था उसके बाद हम यहाँ आए, हमको दवा लेना था और छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो हमको आए हुए बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो दवा भी ले लेंगे इधर से, और थोड़ा सा हम लोग 2-4 रोज घूम भी लेंगे, और घूम लेने के बाद चले आएंगे घर अपने वापस इंशाल्लाह। देखिए बहुत पब्लिक बहुत कम दिख रही होगी, तो यहाँ बहुत सारा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़। जब ट्रेन आती है ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऑटो पर बैठ गए हैं, इसको यहाँ हम लोग ऑटो बोलते हैं, ऑटो। तो बस यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी है, अगर हम चाहते तो ऐसे भी चले जाते, लेकिन इतनी धूप के दिन है ना कि जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया और फिर घर के लिए चले गए। और मैं जा रही हूँ अपने घर अपने मायके, जो हर लेडीज चाहती है, खुश हो जाती है अपने घर जाने के लिए, अपने मायके जाने के लिए। तो वही हाल हमारा है, तो हम भी खुश हैं। तो चलिए आने वाला ब्लॉग बहुत अच्छा।
यहाँ पे मुन्नी आ गई है। मुन्नी खाना खाने जा रही है। और खाने में क्या है मुन्नी? दाल, दाल चावल और सब्जी, अंडा। अंडा। और मुन्नी का फेवरेट है दाल चावल, अचार, आम का अचार। और मुन्नी आम का अचार खाती है बड़े पसंद से। ये देखिए ये पंखा चल रहा है क्योंकि लाइट है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था है मगर लाइट समय नहीं है। ये हाथ वाला हैंड पंखा है। ये हैंड फैन। तो ये है, देखिए ये रहता है गांव में, हम लोग के यहाँ रहता है, हर जगह रहता है। ये मुन्नी खाना खा रही है दाल चावल। गर्मी में सादा खाना खाना चाहिए। ये दाल चावल, अंडा, ऑमलेट, आलू की भुजिया और अचार, सलाद। चलिए खाना खा लेते हैं हम लोग। मुन्नी बैठिए, आप भी खा लीजिए।